नमस्कार दोस्तों, वेल द स्काई की न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और जैसा कि आज बीजेपी कह सकते हैं तीनों इम्पोर्टेंट स्टेट में हार चुकी है और इस हार के बाद क्या कल मार्केट गिर जाएगा या ऊपर की साइड चलने के लिए तैयार होगा, तो इसी चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे ऑप्शन चैन के थ्रू और देखेंगे कि आज की जो गैप डाउन ओपनिंग थी क्या मार्केट ने उसको पूरा पचा लिया है कि उर्जित पटेल का जाना और बीजेपी का हारना, ये दोनों चीज़ें मार्केट में क्या फैक्टर इन कर ली है या नहीं करी है, इस चीज़ को हम ऑप्शन के डाटा के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मार्केट में हो क्या रहा है और किस तरीके की डायरेक्शन बनने को जा रही है यहाँ पे। तो जल्दी से चलते हैं ऑप्शन डाटा पर। दोस्तों, एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि वेबिनार रजिस्ट्रेशंस ओपन हो चुके हैं आज से और 20 तारीख तक रहेंगे, तो जो भी लोग रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं जल्दी से कर लीजिए क्योंकि फर्स्ट 50 रजिस्ट्रेशन को मिलेंगे यहां पे एक स्पेशल एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, जिस उन लोगों को ये स्पेशल वीडियो मिलेगा जो कि बताएगा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग कैसे करी जाती है और मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी यानी वेल्थ स्काई की स्ट्रेटेजी शेयर करी जाएगी। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वेबिनार को अटेंड करने के लिए, नॉमिनल सी फीस है 999, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और टर्म्स एंड कंडीशन देख लीजिए और टॉपिक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए डिस्क्रिप्शन में आपको पता चल जाएगा और सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो डिस्क्रिप्शन को ज़रूर देख लीजिएगा इस वीडियो के बाद। तो फाइनली दोस्तों, मैं आ गया हूँ NSE की वेबसाइट पे और समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे अब निफ्टी की चाल किधर बन सकती है, ऑप्शन डाटा के थ्रू कहाँ पे पुट राइटिंग हो रही है, कहाँ पे कॉल राइटिंग हो रही है, कितना निफ्टी में शॉर्ट बने हैं, कितने लॉन्ग बने हैं, तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं हम। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जो निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है वो आई है 10,549 पे, यानी 10,550 पे ही यहाँ पे क्लोजिंग आई है और इस क्लोजिंग के बाद हम देखेंगे कि क्या निफ्टी ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं 10,500 पे क्या हो रहा है। तो 10,500 की अगर हम पुट की बात करें तो यहाँ पे 34 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, 34.5 लाख का, यानी कह सकते हैं 10,500 की पुट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज ये आगे आने वाले 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन के लिए, यानी 10,500 का लेवल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा लॉन्ग बने हुए हैं और कह सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा पुट राइटिंग हो रही है। वहीं इसके कंपेरिजन में देखा जाए तो कॉल्स में क्या हो रहा है कि 10,500 की हम कॉल को समझने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए 18,26,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है और 4,17,000 का तो आज ही ऐड हुआ है, तो ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे अच्छे खासे शॉर्ट भी बन रहे हैं निफ्टी में। तो ऐसा नहीं है कि आज निफ्टी रिकवर हो गया, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा गैप डाउन था और इवेंट भी था तो मार्केट रिकवर हो गया, क्योंकि नीचे बेच के कहाँ ले जाएंगे, किस जगह तक बेच सकते हैं, ये चीज़ भी होती है ना कि बहुत सा एक 200 पॉइंट के गैप डाउन के बाद क्या वहाँ से कितना गिरा सकते थे। तो इससे अच्छा है कि मार्केट में लोगों की जिनकी लॉन्ग पोजीशन फंसी थी उन्होंने मार्केट को ऊपर उठा लिया और हाई पे ही बंद कराया। बट जैसा कि अब मार्केट के लिए नेगेटिव जो है वो है बीजेपी के हार, तो यहाँ पे कल मार्केट इस चीज को रिएक्ट करेगा और हमेशा याद रखिए मार्केट हमेशा जिस दिन इवेंट होता है उस दिन कभी भी रिएक्शन नहीं देता है, क्योंकि मार्केट में जो बेसिकली जो ट्रेडर होते हैं वो दोनों साइड के लिए तैयार रहते हैं और जो ऑप्शन का प्रीमियम होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर किसी को पता होगा कि हमेशा जब भी कोई इवेंट होता है तो रिटेल इन्वेस्टर काफ़ी तेज़ी से पार्टिसिपेट करता है, सोचता है कि कुछ पैसा मैं भी बना लूँ, क्योंकि जो वॉलेटिलिटी होगी वो काफ़ी हाई होगी, इसके चलते प्रीमियम भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो आज जिन्होंने कॉल और पुट बाय करके दिया होगा तो उनको ज़्यादा कुछ बड़ा फ़ायदा नहीं हुआ होगा, क्योंकि एंड में जाके जैसे वॉलेटिलिटी कम हुई सारे प्रीमियम बहुत ही तेज़ी से गिर गए, अल्टीमेटली सेलर को बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। तो वही चीज़ यहाँ पे भी दिख रही है। अब 10,600 की मैं 10,600 के लेवल की बात करूँ तो यहाँ पे 16 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है पुट में, बट इसका कंपेरिजन में 23 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हो गया है यहाँ पे कॉल में। तो कह सकते हैं कि 10,600 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल बन गया है क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा कॉल राइटिंग हो रही है और 10,600 के ऊपर अगर मार्केट टिकता है तो आपको 10,700 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है, अदरवाइज 10,600 आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा कल के दिन। नीचे की अगर मैं बात करूँ कि अगर 10,500 टूटता है तो आपको नीचे टारगेट कहाँ तक मिल सकते हैं, तो दोस्तों आप देख सकते हैं सीधे सीधे 10,400 और 10,300 तक के टारगेट मिल सकते हैं। बट यहाँ पे देखने वाली चीज़ एक ही है कि 10,400 के अगर मैं कॉल की बात करूँ, ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो
8 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हो गया है, यानी 8 लाख का ओपन, यानी 5,36,000 का ओपन इंटरेस्ट इसमें आज ही ऐड हुआ है। इसका मतलब क्या है कि जो पुट राइटर है वो 10,400 पे अभी से ही पुट कर राइट करने लगे हैं। तो ये एक बहुत ही नेगेटिव सेंटिमेंट मार्केट के लिए बन रहा है, क्योंकि अगर ये ऐसी कंडीशन बनती है तो नॉर्मली ऐसी कंडीशन जब बनती है जब मार्केट गिरने के लिए तैयार हो रहा होता है। तो ये बहुत ही एक नेगेटिव चीज मेरे को यहाँ पे दिख रही है। हालांकि अभी डाओ भी खुलेगा, डाओ की क्लोजिंग कैसे आती है ये भी डिपेंड करता है, बट ये मान लीजिए कि आज का जो हाई बना हुआ है निफ्टी का वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कल के लिए। अगर आज के हाई के ऊपर कल निफ्टी ट्रेड करता है तो आप एक बार समझ सकते हैं कि निफ्टी थोड़ा सा तेजी में है, बट अगर आज के हाई के ऊपर निफ्टी कल नहीं निकल पाया तो एक सेल ऑफ आने के लिए निफ्टी तैयार हो सकता है। हो सकता है आपको 60 से 70 पॉइंट की गिरावट भी मिल जाए निफ्टी के अंदर। तो यही इस डाटा में यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, क्योंकि 10,400, 10,500 और 10,600 पे आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आज के दिन 16 लाख का ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया है। जबकि अगर मैं पुट की बात करूँ तो सिर्फ 10,400 की पुट में यहाँ पे 4 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, बाकी जगह लॉन्ग अनवाइंडिंग ही दिख रही है, क्योंकि ये भी सीरीज एक लंबी सीरीज है। तो अभी यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग ज्यादा चल रही है एज कम्पेयर टू यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग। शॉर्ट कवरिंग सिर्फ जो आई है वो ये 10,700 की कॉल पे, जहाँ पे 3 लाख का ओपन इंटरेस्ट घटा है। कल ये दिन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि कल कायदे से मार्केट पर रिएक्शन आएगा और पता चलेगा कि मार्केट किस साइड जाने के लिए तैयार हो रहा है। तो फिलहाल जो इम्पोर्टेंट लेवल है मेरे लिए आज का वो ये है कि आज का जो हाई है वो कल अगर निफ्टी पार कर लेता है, उसके ऊपर टिकता है तो निफ्टी तेजी में है, और अगर आज के हाई के ऊपर निफ्टी नहीं टिक पाता है, उसके नीचे ट्रेड करता है, तो कह सकते हैं एक मंदी में है निफ्टी, और 50-60 पॉइंट आराम से निफ्टी को मिल सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ से गिरने की जगह काफी है, क्योंकि आज मार्केट ने काफी अच्छी रिकवरी दिखा चुकी है। तो जिसको जो करना होगा, बड़े ट्रेडर ऑपरेटर्स को जो करना होगा वो कल कर सकेंगे। तो इसी चीज में यहाँ पे ऑप्शन डाटा भी ऐसा ही यहाँ पे जता रहा है। बाकी आप जो भी काम करिए स्टॉप लॉस लगा के करिएगा। लेवल मैंने आपको बता दिया है कि आज के हाई के ऊपर निफ्टी अगर ट्रेड करता है तो आप एक बाय साइड की पोजीशंस में खेल सकते हैं। अगर ट्रेड करता है आधे एक घंटे तक, तब अगर उसके नीचे ट्रेड करता है तो आप मंदी में ही हैं, ये समझ के रखिएगा इस पर्टिकुलर डाटा के हिसाब से। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।